अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर आज हम सीखेंगे यहाँ पर फ्यूचर पे का अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके अकाउंट का बनाने का तरीका नहीं आता। तो इंशाल्लाह आज से हम कोशिश करेंगे कि जितने भी वॉलेट हैं, चाहे वो फ्यूचर पे हो, चाहे वो बाइनांस हो, चाहे वो हॉटबिट हो, इस तरह जितने भी क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट्स हैं वो हम बनाना सीखेंगे। तो आज इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं फ्यूचर पे से। तो देखिए, जैसे ही आप लोग रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर मतलब गूगल में लिखेंगे फ्यूचर पे रजिस्टर, तो इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोगों ने सिंपली साइन अप के ऊपर क्लिक कर दें, साइन इन के ऊपर नहीं करना, साइन अप के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आप लोगों ने अपना एक यूनिक सा यूज़र नेम लिख देना है। ठीक है, यूज़र नेम लिखने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस लगाना है। तो ईमेल एड्रेस भी मैंने लगा दिया, और ईमेल एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पर रिपीट कर देना है। ईमेल एड्रेस रिपीट करने के बाद पासवर्ड लगाना है और पासवर्ड रिपीट कर देना है। और यहाँ पर जैसे ही आप लोग पासवर्ड लगाते हैं, पासवर्ड लगाने के बाद आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन एंड पॉलिसी, तो ये लगाने के बाद क्लिक टू वेरीफाई के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और इस कैप्चा को क्लियर कर देना है। इसको ड्रैग करके, ठीक है, कैप्चा क्लियर हो गया। इसके बाद आप लोगों ने सिंपली साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन अप के देखिए, योर अकाउंट वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड, प्लीज़ कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस बिफोर यू लॉग इन। तो अभी आप लोगों ने ईमेल एड्रेस अपना कन्फर्म करना है, तो आप लोगों ने सिंपली चला जाना है जीमेल के ऊपर और इनबॉक्स में आ जाना है। इसमें मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पर देखें कन्फर्मेशन, तो जो कन्फर्मेशन लिंक है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, जस्ट वंस कर देना है और ये आप लोगों का कन्फर्म हो जाएगा। देखें, मेक श्योर यूर, तो ये आप लोगों का भी कन्फर्म हो गया। तो मैं यहाँ पर वही अपना जो मैंने यूज़र नेम लगाया था वो लगा लेता हूँ और पासवर्ड लगाकर इसको मैं लॉग इन कर देता हूँ। पहले क्लिक टू वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। देखें, ये वेरीफाई हो गया। अभी साइन इन मैं कर देता हूँ। साइन इन करने के बाद देखें, हमारा विजिट पे ओपन हो गया है। तो अभी देखें, चेक यूवर ईमेल, इसके बाद में ईमेल पर आप लोगों को एक कोड मौसूल हुआ होगा, वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना है। अभी मैं बैक चला जाता हूँ, देखते हैं हमें कोई कोड वगैरह, ये देखें हमें यहाँ पर की तरफ से कोड भी आया है। तो ये कोड हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, हमने पेस्ट कर दिया और इसको हम लॉग इन मी के। तो देखिए, जैसे ही आप लोग अकाउंट लॉग इन करते हैं, अकाउंट लॉग इन करने के बाद फिर इस तरह इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाता है। यूज़र डैशबोर्ड जो है वो इस तरह आप लोगों को शो होता होगा। देखिए, ओवरव्यू में नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो सारे जितने भी कॉइन हैं आप लोगों को यहाँ पर शो होंगे। तो अगर आप लोग एक बार देखें, मेरे पास अभी BNB कुछ पड़े हैं, बहुत थोड़े तादाद में हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को शो होंगे। यहाँ पर देखें, अगर लिंक एड्रेसेस के ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं, लिंक एड्रेसेस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आप लोगों को, सॉरी यहाँ पर आ जाता हूँ मैं स्टेटिस्टिक में। स्टेटिस्टिक में आने के बाद देखें तो यहाँ पर भी आप लोगों को सारे कॉइन नज़र आते हैं। और अगर आप लोगों ने डिपॉज़िट करना है या यहाँ पर विड्रा लेना है, तो डिपॉज़िट करने के लिए डिपॉज़िट के ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें एड्रेसेस आ जाते हैं। BTC का एड्रेस आ गया, इथेरियम का आ गया, डॉज कॉइन का आ गया, लाइट कॉइन का आ गया। तो यहाँ से आप लोग एड्रेस कॉपी करके जहाँ से आप लोगों ने डिपॉज़िट करना होता है वहाँ पर आप लोग इसको पेस्ट कर देंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर डिपॉज़िट मिल जाएगा। आप फ्यूचर पे में आप लोगों की कॉइन वगैरह या अमाउंट आ जाएगी। अगर आप लोग विड्रा करते हैं तो विड्रा के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से आप लोग विड्रा ले सकते हैं। नॉर्मल विड्रा 4 घंटे में आ जाता है, तो यहाँ से आप लोग इसका विड्रा ले सकते हैं। तो विड्रा का तरीकाकार भी इंशाल्लाह मैं फिर आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने यहाँ से विड्रा कैसे लेना है। अगर मैंने इससे पहले यहाँ से विड्रा लिया भी था तो आप लोगों को मैं शो करवा भी देता हूँ। यहाँ से मैंने एक बार आई थिंक विड्रा लिया था, तो मैं विड्रा के ऑप्शन पर आ जाता हूँ। विड्रा के ऑप्शन पर आ जाने के बाद देखें यहाँ पर विड्रा हिस्ट्री में मैं चला जाता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने यहाँ से कितना विड्रा लिया था। तो देखिए, विड्रा के ऑप्शन पर आने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, सबसे लास्ट में विड्रॉल हिस्ट्री आ गई है। देखें,
विड्रॉल हिस्ट्री में ट्रांजेक्शन आईडी है, तो यहाँ पर देखें लाइटकॉइन का एड्रेस है, मैंने लाइटकॉइन में इसका विड्रॉल लिया था। अमाउंट रिक्वेस्टेड देखें 0.1121 इतने लाइटकॉइन थे और कंप्लीटेड 11 मार्च 2021 को मैंने यहाँ से विड्रॉल लिया था, 11 मार्च 2021 को। तो यहाँ से मैंने सिर्फ एक विड्रॉल लिया था क्योंकि उस टाइम मैं कॉइन चेंज करवा रहा था, तो फ्यूचर पे से मतलब बेस्ट मुझे और कुछ नहीं लगा, तो यहाँ पर मैंने लाइट कॉइन चेंज करके यहाँ से विड्रॉल लिया था। तो आप लोगों ने भी आई थिंक तरीका सीख लिया होगा कि अकाउंट कैसे बनाना है, यहाँ पर एंटर कैसे होना है, कोड वगैरह कैसे लगाना है, तो ये सारे तरीक़ेकार मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में बता दिए। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे वॉलेट में, जैसे ही हम लोग दूसरा कोई भी वॉलेट के अकाउंट बनाएंगे, कोई भी वॉलेट लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, वस्सलाम।